अच्छा बोनट खोलने से गाड़ी तकरीबन 3 से 350। आज हम सर पे आ गए हैं अपने होटल के बिल्कुल सामने और अपनी मर्जी से हम लोग अब अपने सबवे बनवा रहे हैं इनसे। तो आइए देखते हैं किस तरह मेक करते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये टोस्ट करने के लिए रख रहे हैं। इसमें चीज़ इन लोगों ने लगाया है और इसको ये आप ये माइक्रोवेव में रख दिया इन्होंने। बहुत अच्छा मेन्यू है, बिल्कुल हमारे होटल के जो ये सामने है वो हमारा होटल है सामने। और इस पेट्रोल पंप स्टेशन पे जो है यहाँ पर सबवे मौजूद है। तो मैं कल आया था, आज अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी लेके आया हूँ और यहाँ पर उनको ट्राई करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा था कल। तो जी हमारा सबवे आ गया जो हमने ऑर्डर किया था सामने बनवाया अपने, बहुत अच्छा बनाते हैं। ये आ चुका है और इसको हम जल्दी जल्दी ईट करते हैं और फिर आज हमें निकलना है साहेवाल। और साहेवाल रिहाइश इंशाल्लाह पाटपतन शरीफ में होगी और साहेवाल में हमारा शो है और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से इसको खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी हमारा सबवे आ गया जो हमने ऑर्डर किया था सामने बनवाया अपने, बहुत अच्छा बनाते हैं। ये आ चुका है और इसको हम जल्दी जल्दी ईट करते हैं और फिर आज हमें निकलना है साहेवाल। और साहेवाल रिहाइश इंशाल्लाह पाटपतन शरीफ में होगी और साहेवाल में हमारा शो है और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, हम अब पहुंच गए हैं साहेवाल और अब हम जा रहे हैं, ये रूट जा रहा है बाबा फरीद के शहर पाकपतन की तरफ। और अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके, यहाँ पर खाना खाएंगे पीछे रेस्टोरेंट पे और थोड़ी देर बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे पाकपतन शरीफ के लिए। देन वहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर सलाम के लिए जाएंगे ऊपर। और ये गाड़ी का कुछ सही कर रहे हैं। तो अभी हम पाकपतन शरीफ पहुंच गए हैं ज़िला साहेवाल और आप देख सकते हैं अक्सर बेशतर हम लोग यहाँ पर उर्स में आते हैं। और ये सामने वो सामने हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जिस वजह से इसको पाकपतन शरीफ कहा जाता है। और तमाम कवाल हज़रात यहाँ पर आते हैं और आकर अपनी नस्बतों की वजह से आते हैं। और ये तमाम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये लोग जो है इनकी खिदमत गुजारे में लगते हैं। तो ये गाड़ी हमें लेने के लिए आई है। ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग इस पाकपतन शरीफ में मौजूद हैं। अभी कुछ आधा घंटा हुआ हमारे को, एक घंटा आए हुए फ्रेश वगैरह हुआ है, कपड़े चेंज करें और हम दोबारा जो है साहेवाल के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ हमारा एक प्राइवेट इवेंट है शादी के हवाले से और बाबा साहब के पास भी आए हैं हजरी के लिए, तो
इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुबुद्दीन हक बोली तो ये रेस्टोरेंट है देसी तड़का और ये पाकपतन में है और ये यहाँ में लेकर आए हैं पहले खाना यहाँ पर खिलाएंगे उसके बाद क्योंकि देहात है ये तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊपर से ऊपर भी रेस्टोरेंट ऐसे ही होते हैं इससे ज़्यादा जो है नहीं होता इतने ज़्यादा शहर वालों की तरह शोशा में नहीं पड़ते तो आज के परफॉर्मिंग वेन्यू पे हम लोग आ गए हैं साहिवाल में और थोड़ा दूर था सफ़र जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से हम लोग वापसी आए हैं Oh,
तो आज की परफॉर्मेंस और आज की प्लेसिंग बहुत अच्छी थी और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। और आज का क्यू लॉग जो है हम इसको यहीं एंड कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्यू लॉग में आपकी और हमारी मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।